सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। शांति आप लोग बना लें, ज्यादा समय नहीं चाहिए हमें, मात्र 4-5 घंटे बोलना है। आप सभी के बीच में आके काफी गौरवान्वित महसूस हो रहा हूं। आप सभी ने जो प्यार सम्मान दिया है, मैं चाहूंगा इसे ब्याज के साथ आप लोगों को वापस करूं, क्योंकि संजय पावर्स का महाराष्ट्र से बहुत बड़ा टर्नओवर रहा है और संजय पावर्स ने अपने 7 महीने के कार्यकाल में 288 करोड़ का कारोबार किया है। हमारे देश के सभी प्रांतों में, सभी केंद्र शासित 7 स्टेट और 28 संघीय राज्य में कंपनी ने अपनी जड़ें मजबूत की है और हमारी कम्युनिटी लगभग 6.25 लाख तक पहुंची है। इसी क्रम में, क्योंकि आज तक 6 महीने में 6.5 लाख लोगों को कोई जोड़ नहीं पाया, शायद इसीलिए हम लोगों को ये अवार्ड मिला और ये बहुत अच्छा है कि ये अवार्ड आप लोगों के बीच में मिला। 37 स्टेट में महाराष्ट्र को ये मौका मिला जहां हम लोगों को ये अवार्ड पुरस्कार प्राप्त हो। दूसरा पुरस्कार पूरे देश में सबसे ज्यादा मेगा सेमिनार्स, फिजिकल मेगा सेमिनार्स करने के लिए मिला है। आप लोगों को जानकारी में है ये? कौन कौन लोग नहीं जानते? जानते हैं, थोड़ा जोर से बोलिए, जानकारी में है। 324 स्थानों पर कंपनी ने सेमिनार्स किए थे जिसमें 296 स्थानों को अप्रूवल मिला। अप्रूवल उन स्थानों को मिला है जहां 100 के ऊपर कम्युनिटी थी, 100 से लेकर 1200 तक लोग अलग अलग स्थानों पर थे और पूरे देश में पहली बार ये हुआ कि किसी नेटवर्किंग कंपनी ने 325 स्थानों पर एक साथ एक समय में राष्ट्रगान शुरू कराया। इससे पहले किसी कंपनी ने क्राउड फंडिंग सेक्टर में तो संभव ही नहीं था, क्योंकि कोई मालिक बनने को तैयार नहीं होता, तो वहां तो कोई राष्ट्रगान क्या अपना गान भी नहीं कर सकता है। तो ये हिम्मत आप लोगों ने दिखाई और पूरे देश में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। फिजिकल मीटिंग संडे को शाम 5 बजे एक साथ पूरे देश में जो 334 जगहों पर आयोजित हुई, आज उसकी गूंज देश विदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। इसलिए हम लोगों को वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला कि फिजिकल सेमिनार पॉलिटिकल पार्टियों ने तो बहुत किए, लेकिन नेटवर्किंग कंपनियों ने अब तक एक साथ इतने बड़े फिजिकल सेमिनार्स कभी नहीं किए। तो इन सबके लिए ये जो दूसरा अवार्ड मिला है, इन सबके लिए भी बहुत बहुत बधाई। तीसरा जो अवार्ड मिला है वो डायरेक्टरेट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मिला है कि नेटवर्किंग के सेक्टर्स में एक तजुर्बेकार व्यक्ति को ये उपलब्धि मिलती है और साउथ अमेरिका की क्राउन यूनिवर्सिटी ने ये अवार्ड से हमें नवाजा है। क्योंकि ये अवार्ड आप सब लोगों के अथक परिश्रम का नतीजा है, आप सबके दिन रात सतत मेहनत का नतीजा है, इसलिए हमारी तरफ से ये अवार्ड आप सभी को समर्पित है। दोस्तों, संजय पावर की शुरुआत 14 जून 2022 को हुई थी। 14 जून 2022 को हम लोगों ने लगभग 130 आईडी से इसकी शुरुआत की थी। माननीय अखिलेश यादव जी हमारे बीच में हैं। आज कंपनी में जो भी बड़े लीडर्स हैं वो टॉप 100 में से नहीं है, आप लोगों को बता दें। जो भी बड़े लीडर्स हैं, लगभग 46 लोग कंपनी में ऐसे हैं जिनका पे आउट 50 लाख रुपए महीने से ज्यादा है। 18,500 लोग ऐसे हैं जिनका पे आउट 1 लाख से 5 लाख रुपए महीने के बीच में है, लेकिन इन सभी में से कोई टॉप 100 में से नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मार्केट में निगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि आदमी पर ट्रस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। हम लोग भी बहुत महान हैं। एक बार एक आदमी ने सुना कि घर के बाहर कोई आदमी चिल्ला रहा था, आवाज दे रहा था कि 100 रुपए में घर भर बैठ के खाओ, 100 रुपए में घर भर बैठ के खाओ। ये सुन रहा था आदमी बहुत खुश हो गया कि 100 रुपए में ऐसा क्या आ गया। बाहर निकला तो देखा कोई चटाई बेच रहा था। तो कंपनियां भी इसी तरीके से आती हैं, स्कीम लाती हैं, चटाई तरह समेटती हैं और चली जाती है। तो शायद वो 100 लोग इसमें इसलिए नहीं है कि उन्होंने हम लोगों को चटाई ही समझ रखा था।
लेकिन आपका सहयोग मिला, स्नेह मिला, आप लोगों ने ट्रस्ट किया। हम लोगों का विजन मिशन, चूंकि 20 साल का नेटवर्किंग का एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट बेस्ड का एक्सपीरियंस है, प्रोडक्ट बेस्ड का आदमी थोड़ा स्लो होता है, फास्ट नहीं सोचता है, क्योंकि उसके दिमाग में कहीं से बेईमानी लेमारी या इस टाइप की हरकत नहीं होती है, उसको मालूम है कि वो धीरे धीरे पैसे आएंगे। क्राउड फंडिंग में स्पीड थोड़े ज्यादा होती है, क्रिप्टो में विशेष ज्यादा होती है। इसमें शेयर और फॉरेक्स से भी कहीं ज्यादा आप रिटर्न ले सकते हैं, तो रिस्क की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होती है, इसलिए बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। अच्छा, जो हिम्मत जुटाते हैं उनके अंदर एक मैजिक होता है, 2,250 रुपया लगाएंगे, उसके बाद घड़ी की तरह वो आईडी देखेंगे 2 घंटे बाद कि पूल अभी क्यों नहीं आया। ये बहुत बड़ी खूबसूरती है बिजनेस की कि अगर शाम तक पूल नहीं आया तो कंपनी गलत है या MD गलत है। लगाया है 2,250। अच्छा, सोचना भी उनका सही है, क्योंकि कंपनी कह रही है कि 1 साल में ये तो 1,64,000 आ जाएंगे, तो 12 से भाग दे के सोचता है कि 15,000 महीने तो आने चाहिए, क्यों नहीं दिया। वो सही सोच रहा है, क्योंकि वो ना तो प्लान देखता है, ना प्लान समझता है, ना टेलीग्राम मीटिंग में आता है। उसको किसी ने बताया कि $25 लगा दीजिए, आपको ये 1.5 लाख तो मिलना ही मिलना है, तो अपने हिसाब से वो सही है, लेकिन कंपनी के कॉन्सेप्ट से वो गलत है। तो जो लोग अपने विजन मिशन के लिए, अपने करियर के लिए काम करते हैं, वो चीजों को समझने का प्रयास करते हैं, और जो केवल अपने भविष्य के सपने बुनते हैं, वो दूसरे की सुनी सुनाई बातों को सुन के निर्णय ले लेते हैं। तो जिन लोगों ने प्लान को समझा, विजन मिशन को समझा, आज वो इस हाल में मौजूद हैं, और हमें विशेष खुशी है कि यहाँ दर्जनों ऐसे लोग हैं जिन्होंने 50,00,000 करोड़ रुपए कमाए हैं, और वो इस हाल के अंदर इस समय मौजूद हैं, और इनकी स्थिति इस हाल में ना रहे, इससे भी ज्यादा बेहतर रहे, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील। दोस्तों, क्राउड फंडिंग कंपनियों में सिर्फ 3 काम की प्राथमिकता होती है, वो समय से ऑटो पूल दे, समय से बूस्टर दे, और समय से विड्रॉल दे। उनके जिम्मे चौथा कोई काम नहीं होता है। हम लोग जब क्राउड फंडिंग में आए, विशेष करके हम जब क्राउड फंडिंग में आए, तो सबसे बड़ी समस्या थी क्रेडिट की, क्योंकि वेस्टीज में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है हमारा। आप कभी वेस्टीज MD के चैम्बर में जाएं, जो प्रधान मुख्यालय ओखला है, तो MD साहब जिस कुर्सी पर बैठे होंगे उसके ठीक ऊपर मेरा फोटो बहुत बड़े फ्रेम में लगा होगा। 1,37,00,000 की टीम वेस्टीज में हमारे नीचे सर्वाइव कर रही है, और मैंने वेस्टीज से अभी रिजाइन नहीं दिया है, और फिलहाल इस जन्म में देने का इरादा भी नहीं, क्योंकि उस कम्युनिटी की भविष्य में हम लोगों को जरूरत है। आने वाले समय के साथ अगर कोई आदमी लालटेन या लैंप का शीशा बेचता था और आज वो LED बल्ब पे नहीं आया है, तो खत्म हो जाएगा। सहमत हैं आप लोग? बिल्कुल सर। बहुत पहले लोग बैलगाड़ी से बारात जाते थे, आज रेडियल टायर बिकता है, नॉर्मल टायर भी नहीं बिकता। तो समय के साथ उन लोगों को भी यहाँ आना है, इसलिए उनसे रिश्ते मेंटेन रखना हमारी मजबूरी है, समय की जरूरत भी है। क्राउड फंडिंग में तरह तरीके की भ्रांतियां हैं, कोई कह रहा है गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दी है, कोई कहता है ये फ्रॉड है, कोई कहता है ये स्कैम है। सबसे बड़ी बात है कि ये स्कैम है, ये फ्रॉड है, वो अपनी जगह है, लेकिन भारत आज क्रिप्टो करेंसी का विश्व में सबसे बड़ा बाजार है। जय। 10 करोड़ से ज्यादा यूजर इंडिया में सर्वाइव कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के अलग अलग एक्सचेंज पे। किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में इतनी बड़ी टीम, इतनी बड़ी संख्या कभी नहीं हुई। हम प्रोडक्ट को सही मानते हैं, लेकिन काम कहाँ करते हैं? आज BSNL बैठ गया तो हम गवर्नमेंट को गाली देते हैं, लेकिन इस हाल में 1 या 2 लोग होंगे जिनके पास BSNL का सिम होगा। सेम वही स्थिति क्रिप्टो करेंसी और प्रोडक्ट बेस के रैंक में। जरूरत समय के साथ चलने की है। आज के 20 साल पहले कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि दीवार में कोई स्कैनर होगा और हम वहां से स्कैन करके पैसा ट्रांसफर कर लेंगे। क्या आप लोग मानते थे? हम लोग बैंक में जाते थे, हमारे समय में हमने तो हमारी बहुत सारी पासबुकें डार्ट पेन से लिखी जाती थी, ग्रामीण बैंकों में खाता हुआ करता था। खैर, अच्छा हुआ उस युग कांत हुआ, नहीं हम लोग अपना कई जीरो अपने आप बढ़ा लेते। तो समय के साथ
आज सीटीएस सिस्टम हो गया है, आप जब चाहते हैं यूपीआई आरटीजीएस नेफ्ट तत्काल सारी सुविधाएं आईएनपीएस आपको मिलती है। जरूरत समय के साथ चलने की है, हम ये नहीं कह रहे प्रोडक्ट में बिजनेस गलत है, प्रोडक्ट हमेशा सही रहा है, रोटी कपड़ा मकान मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता रही है और प्रोडक्ट का काम कभी प्रभावित नहीं हो सकता, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन समय के साथ चलने की आवश्यकता है। भारत डिजिटलीकरण की तरफ बढ़ रहा है, वर्चुअल करेंसी की तरफ बढ़ रहा है और देश में मैं ऐसे 500 होटल 500 एजेंसियों का नाम भारत में लिख के दे सकता हूं जहां बिटकॉइन और इथेरियम से आप उनकी चीजें खरीद सकते हैं। ये आगाज है भारत में, ये आगाज है उन चीजों का जिसकी आवश्यकता महसूस कर रहे हैं। बहुत जल्द मंजिल के हम लोग करीब हैं, मात्र 1.5 महीने का समय बाकी है। सिंजे पावर के कॉइन से जब आप फ्लाइट की टिकट खरीदेंगे, मोबाइल रिचार्ज करेंगे और ओला बुक करेंगे तो आपको लगेगा कि अब हम सही कॉन्सेप्ट में एंट्री किए। जितने भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो सब सिंजे पावर कॉइन से पॉसिबल होंगी, क्योंकि यूटिलिटी सर्विस और कॉइन एक्सचेंज और खुद की ब्लॉकचेन, खुद का स्वैप और खुद का टोकन सॉरी खुद का क्वाइन और खुद का वैलेट सब कुछ एक साथ लॉन्च होने जा रहा है। देश के ही नहीं विश्व के इतिहास में आज तक एक काम कोई कंपनी नहीं कर पाई। आप लोग कर लेते हैं क्योंकि आपने टेलीग्राम में फ्री कार्ड बनाए हैं। ये पहली कंपनी है जहां मोदी की तरह कभी भी घोषणा हो जाती है कि सारे लोग मीटिंग में हाजिर हो, दोपहर में सुबह शाम, और जब घोषणा होती तुरंत सब भाग के पहुंच जाते हैं। जो ये नेटवर्कर हैं, ये बरात के फूफा की तरह हैं, जो संजय पावर के नेटवर्कर हैं, ये नाराज रहेंगे, शिकायत करते रहेंगे, लेकिन बरात में जाएंगे तो डांस जरूर करेंगे। ये सब चिल्लाएंगे फूल नहीं आ रहा है, ये आईडी खराब हो गई, लेकिन अगर कोई टूर है तो वहां पहुंचेंगे, कोई एलडीपी है तो वहां आएंगे, कंपनी ने बुलाया है यहां तो यहां आएंगे, आएंगे सब जगह, लेकिन अपनी बात जरूर कहते रहेंगे। तो ये समरसता बनी रहनी चाहिए, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। शिकवा शिकायतें अपनों से होती हैं और एक अच्छी कंपनी दूसरे के सुझावों से ही चलती है। दोस्तों 15 अगस्त देश की आज़ादी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पल है और उस समय संजय पावर्स एक नई आर्थिक आज़ादी का उद्घोष करने जा रहा है। ऐसा पहली बार है कि विदेश से कई कंपनियां भारत में आई, उन्होंने अपना कारोबार फैलाया, लोगों को तरह तरीके के सपने दिखाए और हम लोगों की मेहनत की कमाई समेट कर अपने अपने वतन को वापस चले गए। ऐसा पहली बार होगा कि हमारे हिंदुस्तान के सभी भाई बहन पूरे विश्व के 197 देशों में चढ़ कर अपना कारोबार करेंगे और वहां की कैपिटल को भारत वापस लाएंगे। पंद्रह अगस्त को कंपनी अपनी ब्लॉकचेन, जो संजय पावर्स की ब्लॉकचेन आ रही है वो वर्ल्ड में टॉप 10 ब्लॉकचेन में से एक है, पैरेलल एंड फाइनेंस टॉप 10 में से एक है, पैरेलल एंड फाइनेंस अपना क्वाइन आ रहा है। मार्केट में जो भी कंपनियां काम कर रही हैं, 90% कंपनियों का टोकन है क्वाइन नहीं, क्योंकि जिसकी अपनी ब्लॉकचेन नहीं है उसका क्वाइन नहीं हो सकता। अपना खुद का एक्सचेंज आ रहा है और डे फर्स्ट से लॉन्चिंग के टाइम में बिटकॉइन से लेके इथेरियम से लेके टॉप 1000 करेंसी में से 858 करेंसी आप डे फर्स्ट से सेल और परचेज कर सकेंगे अपने चेंज। तो इतना पावरफुल एक्सचेंज शुरुआती दौर में स्टार्टिंग दौर में कोई भी कंपनी लॉन्च नहीं कर पाई और क्वाइन ब्लॉकचेन और एक्सचेंज आज तक देश के विश्व के इतिहास में तीनों एक साथ किसी कंपनी का कभी लॉन्च नहीं हुआ। हमारे जो 14 स्वैप ऑलरेडी मार्केट में है वो हमारे ऐप से अटैच होंगे, हमारे साइट पे अटैच होंगे, जितने ट्रस्ट वैलेट हैं वो सारे अटैच होंगे, कंपनी का अपना स्वैप भी होगा, अपना ट्रस्ट वैलेट भी होगा। और एक नई चीज जो आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में कोई नहीं कर पाया, हम डॉलर का कारोबार यूएसडी फॉर्म में करते हैं, एक यूएसपी भी लॉन्च हो रहा है। थर्ड
ये व्यक्ति क्या है, यूएसपी डॉलर के पैदर होगा। यूएसपी सभी 27,000 कंपनियां इस यूएसपी से कारोबार करेंगी। इसका नाम होगा यूनाइटेड सिंजे पावर। देश में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, उनका कितना भी अरबों खरबों का कारोबार हो, उन्हें सिंजे पावर्स के झंडे के नीचे आना ही होगा। यूएसपी जो यूएसडीटी और यूएसडी इन्होंने बनाया है, ऐसा नहीं कि तीसरा किसी ने बनाने का प्रयास नहीं किया, किसी देश को सफलता नहीं मिली। यूएसपी जो लॉन्च हो रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास है, और यूएसडीटी और यूएसडी की मार्केट को आधा कर देंगे हम लोग, इसकी गारंटी। डे फर्स्ट से वो तैयारी है हमारी, और बहुत सारे क्वाइन जिन पे आप काम करके छोड़ चुके हैं या जो आपके वॉलेट में है, वॉलेट की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनका आप आए दिन प्रोटेक्शन करते रहते हैं, वो सारे आपके एक्सचेंज पे लिस्टिंग होंगे, बिकने के लिए होंगे, और बहुत सारी नई पुरानी कंपनियां आपके एक्सचेंज पे अपने क्वाइन को प्रिजर्व कराएंगी, लिक्विडिटी मेंटेन कराएंगी खरीद और बिक्री के लिए। तो आप जो भी कंपनियां मार्केट में भागती हैं, उनके पास तीन चीज कभी नहीं होती। पहली चीज तो क्वाइन ना होकर टोकन होती, और अगर उनका अपना खुद का एक्सचेंज है, खुद की ब्लॉकचेन है, खुद का ट्रस्ट वैलेट है, खुद का स्वैप है, तो वो कभी नहीं भागती। उनके भागने के रास्ते ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट में उन सभी मानक को पूरा करने के बाद आते हैं जहां से बच के निकलने के ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। तो सिंजे पावर हिंदुस्तान का दूसरा एलआईसी बन गया है। इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हम लोग लगातार मीटिंग सेमिनार कल से हमारे लीडर्स देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं लखनऊ। 6 दिन की एलडीपी है, लगभग 1500 लोग 6 दिवसीय प्रशिक्षण में शामिल होंगे। सिंजे पावर्स हर महीना मीटिंग सेमिनार बोर्ड की बैठकों में अलग अलग मीटिंग्स में इतना खर्च करता है जितना बड़ी बड़ी कंपनियां लेके भागती। आपको मैं अवसर बता दूं, हम लोग महीने में इतना खर्च करते हैं जितना कंपनी खोलने वाले टारगेट लेके आए होते हैं। कितना मिले तो मैं भाग जाऊं, इतना हमारे यहाँ महीने का खर्च है। अभी यहाँ से टूर में कौन कौन लोग गए थे नैनीताल टूर में? यस, वेरी गुड, व्यवस्था बढ़िया थी। yes. क्योंकि पहली बार था, आदमी जीवन भर सीखता है, हम लोग भी जीवन भर सीखेंगे उम्मीद करते हैं, क्योंकि जब सीखने की क्षमता खत्म हो जाती है तो व्यक्ति का व्यक्तित्व तो खत्म हो जाता है। पहली बार में लगभग 600 लोग, 557 लोग हमारे साथ थे, बहुत सारे बच्चे भी थे उसमें, महिलाएं भी थी, लेकिन एक भी अव्यवस्था, एक भी कंप्लेन नहीं मिली। इससे ये साबित होता है कि सिंजे पावर्स के जो भी नेटवर्कर हैं वो पूरी तरह से अनुशासित और मर्यादित तरीके से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। इसकी वहां एक झलक देखने को मिली। यहाँ के हमने एक प्रयोग भी किया, लगभग 100 के ऊपर गाड़ियां अरेंज करके दूसरे दिन नैनीताल टूर पे भी भेजा, किसी को कस्टडी में नहीं रखा गया, वहां भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, सभी सुरक्षित लौट आए। तो ये ऊपर वाले की असीम अनुकंपा है इस कंपनी में कि लाख अच्छाई बुराई होते हुए भी हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। अभी कंपनी का क्वाइन आ रहा है, इसके बाद यूटिलिटी सर्विसेज आएंगी, जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं वो हमारे क्वाइन से आप परचेज कर सकते हैं, आपको INR खर्च करने की जरूरत नहीं है। बोर्ड की बैठक परसों से शुरू होंगी, 4 और 5 फाउंडर डायरेक्टर की बैठक है, 6 तारीख फाउंडर डायरेक्टर और डिप्टी फाउंडर डायरेक्टर की बैठक है, 6 तारीख को क्रिएटिव फाउंडर की बैठक है, 7 तारीख को सेंट्रल कमेटी और स्टेट कमेटी की बैठक है। इसमें सेंट्रल कमेटी से कितने लोग हैं, हैंड रेज करें आप, क्या सेंट्रल कमेटी से? अच्छा, 3 लोग। स्टेट कमेटी से कितने लोग हैं? 3 लोग। सेंट्रल और स्टेट वाले जरा मंच पे आ जाए, पासवान जी का माल्यार्पण करो, इनका माल्यार्पण हो जाए उसके बाद अपनी बात करते हैं हम लोग। तो एक नई बात आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा। परसों हम लोग अपने आवास पे थे और अचानक याद आया कि ये जो जंबो मंत्रिमंडल गठन हुआ है,
लगभग 200 के आसपास फाउंडर डायरेक्टर नए बन के आए हैं। 86 पुराने थे और लगभग 109 लोग नए आए। 18 डिप्टी फाउंडर हैं और 238 क्रिएटिव फाउंडर डायरेक्टर हैं और 1700 लोगों की जिला स्टेट सेंट्रल कमेटी पूरे देश में पहले से बनी हुई है, यानी हमारे पास संख्या 2000 के आसपास है। हमने सोचा 10-20 लोगों को टेस्ट करते हैं कि ये जो नई कमेटी आई है ये किस टाइप की है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आप सभी सम्मानित सदस्य हैं। हमने 15-20 लोगों को 200, 500, 400, 1000, 1200 डॉलर अपने आप कंपनी को आदेश दिया कि इनके बजट में भेज दो। चेक करना था कि आपके ईमानदारी का लेवल क्या है। आप विश्वास करें 20 में से केवल एक आदमी ने फोन किया कि सर ये डॉलर कंपनी से शायद गलत आ गए हैं और 19 लोगों ने तुरंत अपनी आईडी लगाना शुरू कर दिया। दोस्तों हम लोग बहुत कबड्डी खेल के यहाँ तक पहुंचे हैं। जिंदगी का तजुर्बा है, तजुर्बा उम्र से नहीं होता है, काम से होता है। मानते हैं आप लोग? बिल्कुल। आप जब अपने लिए ईमानदार नहीं हैं, तो आप अपनी टीम के लिए ईमानदार कैसे होंगे। हमने आपको बोर्ड में इसलिए रखा है कि आप हमारा सहयोग करें। फील्ड में जनता की हमारे कंपनी के बारे में क्या सोच है, उसको क्या समस्याएं हैं, आप हमारे और कंपनी के बीच में ओवरब्रिज बने। आप तो ऐसा सर्टिफाइड होके आ रहे हैं कि आपसे हमें डर लग रहा है, हम बचेंगे कि हम ही ध्वस्त हो जाएंगे। तो आप सभी लोग अपनी इन आदतों को सुधारें। क्योंकि हम लोग जिस कैटेगरी में हैं, अभी तो इंडिया में थे, अब वर्ल्ड वाइड लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। 58 देशों में कंपनी पहले से आईडी लगाने जा रही है। क्रिप्टो में हम आएंगे तो डे सेकेंड डे फर्स्ट 197 देशों में सर्कुलेट हो जाएंगे। तो हम क्या मैसेज देना चाहते हैं, अगर हमें पैसा चाहिए तो इससे ज्यादा पैसा दुनिया के किसी सेक्टर में नहीं है। अब सिंजे पावर से ज्यादा पैसा देने वाली कोई कंपनी भी नहीं। Yes! तो अगला पिछला जो भी चरित्र आपका रहा हो, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र से बहुत लेना देना नहीं है हमारा, लेकिन आप लोग अपनी इन आदतों को सुधारें और पूरी ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। अगर आपके डाउनलाइन में किसी का पूल नहीं आता है, किसी का बूस्टर फंसा है, किसी की आईडी गलत लगी है, किसी की मेल गलत हो गई है, किसी को रीसेट पासवर्ड नहीं जा रहा है, तो उसके लिए कंपनी से ज्यादा जिम्मेदार आप हैं। आप बोर्ड की बैठकों में आते हैं तो वहां 56 भोग पकवान खा के सीधे विदाई ले लेते हैं। कंपनी से कभी नहीं पूछते हैं कि हमको बोर्ड में क्यों रखा गया, हमारी जिम्मेदारी क्या है, हमारे अधिकार क्या है। एक और अच्छी बात है, जो नए लोग आए हैं ये अधिकार ज्यादा जानना चाहते हैं अपेक्षाकृत अपने कर्तव्य के। उनके कर्तव्य क्या है उसको वो नहीं जानना चाहते, उनके अधिकार क्या है ये उन्हें पहले जानना है। कंपनी ने करोड़ों रुपया खर्च करके ये जो 6 दिन की LDP रखी है, इस बार सबको मिक्सर में डाल के फ्राई करेंगे हम लोग। एक एक आदमी को फिल्टर करेंगे और सिखाएंगे कि नेटवर्किंग कैसे की जाती है। क्योंकि अगर आपका अपलाइन मेच्योर नेटवर्कर नहीं है तो आपकी टीम को, आपकी डाउनलाइन को, अपनी डाउनलाइन को वो बेहतर नेतृत्व तो नहीं दे सकेगा। ये जो देश में 2000 लोग चुन के आए हैं, 777 जिले हैं, यानी लगभग हर जिले में कम से कम 3 आदमी का प्रतिनिधित्व है। अगर ये 3 आदमी 2-2 दिन बांट लें और जिले में एक ऑफिस बना लें कि किसी को कोई समस्या है सीधे हमारे ऑफिस फोन करें, मुख्यालय फोन करने की जरूरत नहीं, तो क्या किसी की कोई समस्या बचेगी? नो सर। लेकिन वो ये नहीं करेंगे, वो ये पूछते हैं कंपनी से कि कंपनी हमको क्या देगी, हम दामाद बन के आए हैं, कंपनी क्या व्यवस्था, वो ये पूछते हैं। पूछते हैं नहीं आप लोग? सही सही बताइए, पूछते नहीं पूछते? गिफ्टेड आईडी कहाँ है, कार हमारी कब मिलेगी, बीमा हमारा कौन करेगा? अरे भाई पहले आप ये समझो कि आप आए हो तो जो आपके नीचे लोग हैं जिनके दम पे आप इस करियर को पाए हो, इस पद को पाए हो, पहले उनको न्याय दिलाइए, पहले उनका हित करिए। कंपनी आपकी है, कंपनी के पास जो भी है आपका है, वो तो जब आप चाहोगे आपको मिल ही जाएगा, उसको कौन रोक लेगा। दोस्तों परसों रात 10 बजे से कंपनी की वेबसाइट बंद होगी, 8 से 12 घंटों के लिए, क्योंकि पुराने ऑटो फोन जो नवंबर में आईडी लगी थी फरवरी तक, उसको लेके काफी शिकायतें हैं लोगों की। तो ये परसों इसलिए बंद होगी, कल इसलिए बंद होगी, सॉरी कल रात में बंद होगी 3 तारीख को,
ये आईडी इसलिए बंद होगी कि बहुत सारे जो 4 तारीख को लोग आने हैं ये रास्ते में होंगे, और रात में चूंकि बिजनेस कम निकलता है, कम लोग काम करते हैं, तो अगर ये 10 बजे बंद होगी तो सुबह 8 बजे तक ओके होके सामने आ जाएगी। तो जब परसों ये आईडी खुलेगी तो कम से कम 25,000 लोग नए लखपति डेवलप हो चुके होंगे। और एनडीपी में ही बूस्टर प्लान को चेंज किया जा रहा है, जिस बूस्टर के लिए आप 75 से 90 दिन इंतजार करते थे वो अब आपको 1 महीने में दिया जाएगा। ये सभी लोग जो बुलाए जा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कंपनी 24 आवर और अनलिमिटेड विड्रॉल अपना शुरू करे, उस संबंध में एनडीपी की बैठक की जा रही है। आप सभी की आम सहमति के बाद इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा, क्योंकि हम चाहते हैं सिंजे पावर वर्ल्ड रिकॉर्ड रचे, किसी कंपनी के कंपेरिजन में हम एक इतिहास बनाए, विड्रॉल में भी, बूस्टर में भी और ऑटोपूल में भी, ताकि हम इंटरनेशनल मार्केट में उतरने से पहले अपने देश के नागरिकों को पूरी तरह से संतुष्ट कर सकें और आर्थिक रूप से स्वतंत्र कर सकें। हमारे जो भी लीडर्स, जो भी आयोजक और जो भी हमारे भाई महाराष्ट्र से, अदर अदर जगहों से यहाँ आए हुए हैं, उनका विशेष आभार कि आपने अपना अमूल्य समय दिया। चूँकि इस हाल में कंपनी की तीसरी मीटिंग है और लगातार संख्या बढ़ रही है, हो सकता है आगे की मीटिंग किसी बड़े स्पेस में भी करनी पड़े। महाराष्ट्र में कंपनी अपना मुख्यालय बनाने जा रही है, इसी जुलाई में कंपनी का मुख्यालय महाराष्ट्र में खुल जाएगा, तो आप सभी लोग लखनऊ की दूरी न तय करके अपनी सारी समस्याएं यही शेयर कर पाएंगे। और हफ्ते में 2 दिन मेरी ड्यूटी लग रही है, मैं व्यक्तिगत रूप से यहाँ बैठूंगा। हमारे तीनों ब्रांड एम्बेसडर काफ़ी तेजी से अपने अपने स्टेट्स में काम कर रहे हैं, और जिस तरीके का जंबो मंत्रिमंडल चुन के आया है, कंपनी के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, और लेकिन चूंकि हम लोग एक रूल रेगुलेशन के तहत काम करते हैं। कल हमने एक फाउंडर डायरेक्टर को अभी बुलाया नहीं, शपथ भी नहीं ग्रहण कराया और बर्खास्त कर दिया। फाउंडर डायरेक्टर को $1,000 भेजे गए, वो शांति से बैठा था क्योंकि उसने $1,000 का पैसा दिया था फाउंडर बनने के लिए। फिर आधे घंटे बाद $1,000 और भेजा गया, उसने तुरंत $2,000 की आईडी लगा दी, तुरंत लगा दी, 15 मिनट में अपनी एक आईडी को अपग्रेड कर लिया। उसको जब फोन गया तो हमने कहा भाई देखो मोदी जी वाला पैसा तो है नहीं कि आ गया होगा, मोदी जी वाली किस्त तो आई नहीं है, तो संजय पावर है। तो ये आपने जब $1,000 का पैसा दिया तो $2,000 क्यों यूज किया? उसने कहा सर हम फाउंडर हैं, लेन देन तो आगे पीछे होता रहेगा। हमने उसको तत्काल बर्खास्त कर दिया, उसके $1,000 का पैसा उसके खाते में वापस डाल दिया। इसे रैंक को लेके अगर आपको ईगो पैदा, जय संजय पावर, आप अभी फाउंडर बने नहीं, शपथ ग्रहण किया नहीं, अगर आपके अंदर इतना अहम है तो आप कंपनी का कितना नुकसान करोगे और अपनी टीम का कितना नुकसान करोगे। जब 100% का सर्कुलेशन है तो लेन देन किस चीज का, क्यों ब्रदर? बिल्कुल, जब 100% सर्कुलेशन है, यद्यपि कंपनी समय समय पर अपने मानवीय मूल्यों का प्रदर्शन लोगों की आवश्यकताओं के साथ खड़े होकर करती रहती तो किस चीज का लेन देन का कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो हमको लगा कि ये व्यक्ति कम से कम फाउंडर होने के योग्य नहीं है। बिहार से था, बहुत सम्मानित जिले से था, तत्काल बर्खास्त करके उनके पैसे रिप्लेस कर दिए गए। ऑनलाइन कंपनियों में कोई किसी का पैसा वापस नहीं करता है, सिंजे पावर्स को छोड़कर। दूसरा एक अंतिम संदेश देना चाहूंगा, घंटे के हिसाब से कंपनियां पूरे देश में नई नई आ रही हैं। कल हमने देखा एक आदमी ने सक्सेस पावर बनाया, लोगों से हमारा ही है सक्सेस पावर कंपनी। खैर उसको बहुत बहुत बधाई कि संजय पावर को उसने सक्सेस माना, उसको बहुत बहुत बधाई। और वो सभी पे मैसेज जा रहा है कि भैया ये ज्वाइन करो, हमारा भी लाइसेंस आ रहा है। तो आप लोग दिशा भ्रमित ना हो, ये वो लोग हैं जो नेटवर्किंग में कहीं ना कहीं घाटे में होंगे और अपना घाटा पूरा करके और आपका घाटा बढ़ा करके फिर उससे निकल जाएंगे। एक चीज विशेष ध्यान रखें, कुछ कमियां आप लोगों के स्तर से भी हैं, क्योंकि मजा आप लोगों को भी बहुत आता है। जब सो के उठते हैं तो 10 नए प्लान आपके मोबाइल पे आ जाते हैं, आते नहीं आते हैं। और आपके अपने लोगों के फोन भी आने लगते हैं कि बहुत बड़ी कंपनी अभी शाम को ही लॉन्च हो रही है, तुरंत आइए, नहीं करोड़पति बनने में देर हो जाएगी।
और जब वो कंपनी बंद हो चली जाती है तो वो लोग आपका फोन भी नहीं उठाते हैं जो परसों करते हैं। तो आप लोग दिशा भ्रमित ना होइए, सिंजे पावर्स में ऐसा कोई खतरा नहीं है। मार्केट में क्राउड फंडिंग में ऐसी बहुत कम कंपनियां हैं जो सवा साल पूरा कर पाती है। सिंजे पावर सवा साल पूरा कर चुकी है। अभी हम लोगों ने अपना काम शुरू किया, 5 लाख कम्युनिटी के बाद ही क्राउड फंडिंग का काम शुरू होता है और 31 दिसंबर के पहले आप पर्ल वाइन की कम्युनिटी को क्रॉस कर जाएंगे। तो जब भी आपके पास किसी का फोन आए तो एक मेहनत आप भी करें, यह आपका दायित्व तो है कि मार्केट में गलत लोग ना पनपे। आप उसको फोन मिलाएं कि आपने मुझे ये प्लान क्यों भेजा, मैं तो ऑलरेडी सिंजे पावर में हूँ, फिर मुझे क्यों भेजा। तो बताएगा इसमें ये बहुत अच्छाई है, इसमें अभी शाम को ही आप करोड़पति बन जाएंगे। तो उससे कहिए कि भैया मेरी तरफ से मैं शुभकामनाएं हैं, आप डबल आईडी लगा लो, आप खुद ही अरबपति बन जाओ, मुझे जरूरत नहीं है, दोबारा प्लान मत भेजना। तो जब आप इस तरह जवाब दे दोगे तो कोई प्लान आपके पास फालतू नहीं आएगा आपको विशाल दिशा भ्रमित करने के लिए। क्योंकि एक चीज से सिंजे पावर्स को बहुत सख्त नफरत है, अगर आप सिंजे पावर्स में हैं और किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं तो गनीमत है, लेकिन सिंजे पावर्स में रह के सिंजे पावर्स के आदमी को अगर आपने किसी दूसरी कंपनी का प्लान भेज दिया तो आपका आपकी आईडी कंपनी में ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं खुलवा पाएंगे। मैं सिर्फ एक ही सेगमेंट में आईडी ब्लॉक करता हूँ और पूरे देश में 2-4 लोगों की आईडी में डेली ब्लॉक करता हूँ। अगर आप सिंजे पावर में काम कर रहे हैं और किसी सिंजे पावर के आदमी को प्लान भेज दिया आपने दूसरा, तो आपकी सारी आईडी ब्लॉक होंगी, भले आपका निवेश यहाँ 50 लाख और वो कभी नहीं खुलेगी। आईडी ब्लॉकेज के 2 सिस्टम है कंपनी में, एक तो ब्लॉक होती है वार्निंग के लिए, 10 दिन 1 महीना बाद हम लोग छोड़ देते हैं, एक होती है ब्लॉक करते ही सिस्टम से लैप्स हो जाती है, तो ये लैप्सेशन ब्लॉकिंग होगी। जहां जो जरूरी है, जैसे अभी आपने सुना होगा टेलीग्राम में कुछ लोग डिस्टर्ब कर रहे थे, सम्मानित तरीके से उनके ऊपर 3 धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है, लखनऊ पुलिस उचित कार्रवाई कर रही है। चूंकि नेटवर्किंग कंपनी चलाना है इसलिए लोग चीजों को चर्चा में नहीं लाया जाता, लेकिन लोग सिर्फ यहाँ पैसा कमाने नहीं आते हैं, यहाँ सम्मान कमाने भी आते हैं। जब सम्मान ही नहीं रहेगा तो हम पैसा लेके क्या करेंगे। तो अगर आप कहीं से गलती से भी कोई ऐसी गलती करेंगे जिससे किसी के सम्मान का नुकसान हो, कंपनी का नुकसान हो, तो आप मेरे कितने भी अजीज हों, कंपनी को कितना भी बिजनेस देते हों, आपको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। बाकी कंपनी आपकी है, कंपनी के हितों के लिए हम सभी लोग दिन रात काम कर रहे हैं। हमारे नए नए फाउंडर्स चुन के आए हैं, ये अपनी टीमों को अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं स्वयं लॉन्च करेंगे, क्योंकि कंपनी अब योजनाएं नहीं देगी। तो जब ये योजनाएं लॉन्च करेंगे तो हम अपनी आईडी खुद भी उसमें लगाएंगे, क्योंकि हमको भी योजना का लाभ लेना है। क्योंकि मैं भी अच्छा नेटवर्कर हूँ, मेहनत करता हूँ ईमानदारी से, तो मुझे भी काम करने का हक है। तो मैं इंतजार करता हूँ कि हमारे जो भी नए 200 फाउंडर्स आए हैं, ये अपनी टीम के लिए नया कॉन्सेप्ट लेके आए, नई योजना लेके आए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। एक अंतिम बात, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हम लोग 10 तारीख से करेंगे, क्योंकि 4 तारीख से 9 तारीख तक कंपनी की LDP है। इस दौरान अगर हम कोई घोषणा करते हैं तो सारे हमारे महत्वपूर्ण लीडर या तो मीटिंग में होंगे या रास्ते में होंगे, वो बात बन नहीं पाएगी। इस हफ्ते हम पूरी तैयारी कर लेते हैं और पूरे देश के हर गांव-गांव में, हर ब्लॉक, हर तहसील में एक साथ युद्ध स्तर पे सभी 5 लाख नेटवर्करों को, अगर हमारे पास कम्युनिटी 6 लाख है तो ये मानिए कि 1 लाख आदमी भी है ईमानदारी से। टेलीग्राम पे नहीं आते हैं क्योंकि शायद उन्होंने शपथ खाई होगी कि वहाँ जाने से शायद इनकम कट जाए, इसलिए वो टेलीग्राम पे नहीं आते हैं। खैर, जिनको पैसा कमाना है वो तो आ ही रहे हैं और दूसरे लोग आपके पैसे को देख के आ जाएंगे। तो उस युद्ध स्तर पर इसकी शुरुआत की जाएगी। लोग ऐसे मतदाता सूची देख के टिक लगाते हैं किसने वोट दिया नहीं दिया, इस तरीके से हम लोग गांव-गांव, घर-घर, स्कूल-स्कूल जाएंगे और इस देश की नई पीढ़ी को जो करोड़ों की संख्या में बेरोजगार घूम रही है उसको सिस्टम से जोड़ेंगे। ये सिस्टम तब तक चलेगा जब तक डायरेक्ट ज्वाइनिंग से हमारे पास कम से कम 1 लाख नेटवर्कर लखपति नहीं हो जाता। इस सिस्टम को कंपनी तब तक चलाएगी। पूरे देश के सारे नेटवर्कर 10 अगस्त से
इस विश्वव्यापी योजना में लगेंगे, महीना लगे, दो महीना लगे, तीन महीना लगे, लेकिन कोई ऐसा गांव नहीं होना चाहिए जहां सिंजे पावर का नेटवर्कर मौजूद ना हो। तो आप सभी लोग इस मीटिंग का हिस्सा बने, आपने अपना अमूल्य समय दिया, बरसात के इस मौसम में परिवार के साथ उपस्थित हुए, इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। लखनऊ LDP में अवश्य पधारें, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सभी लोग लखनऊ LDP का हिस्सा जरूर बने, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संजय पावर।